जो तमाम देखने वाले हायर होना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनको जब नहीं रिस्पॉन्स आता तो वो समझते हैं कि यार ये तो बस ऊपर ही ऊपर मामला हो गया होगा और हमें कुछ पता नहीं है इसका। सो भाई कुरान और नाजरा का रूम है ये, यहाँ पर कुरान और नाजरा भी पढ़ाया जाता है आपके बच्चों को। ये है जी पाकिस्तान स्कूल मस्कत, जिसमें हम इस वक्त आए हैं, और लाइब्रेरी और साइंस लाइब्रेरी। अच्छा भाई ये सीनियर ब्लॉक है पूरा स्टेयर्स जाके नीचे, और ये पूरा जो है वो जूनियर ब्लॉक है, मतलब सारे नर्सरी केजी वन से सारा मामला इधर ही चलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना बिलाल मोइन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्कूल मस्कत में। मैंने एक वीडियो बनाई थी चेयरमैन साहब के साथ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मतलब सवालात पूछे थे, कुछ जो था उसके अंदर एक मतलब जेन्युइन किस्म का एक आंसर शामिल था, जिसको मैंने चाहा कि खुद आऊँ देख कर एड्रेस करूँ। तो ये तो देखो भाई पाकिस्तान स्कूल मस्कत की बिल्डिंग है, प्ले एरिया वगैरह है। अब चलते हैं चेयरमैन साहब के साथ और उनसे कुछ वो सवालात पूछते हैं जो आपके जेन्युइन लाइक जेन्युइन जो आपने क्रिटिसिज्म किया है, तो उसका देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक हायरिंग प्रोसेस कैसे होता है, टीचर्स की कॉम्पिटेंसी क्या है, जो क्लासरूम्स हैं और जो स्कूल वगैरह की यहाँ पे तरतीब है उसकी क्या सेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें अब हम चलते हैं चेयरमैन साहब के साथ, उनसे हम एड्रेस करते हैं कि भाई क्या तरतीब है। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा कैसे सर आप ठीक हैं? ऑल सेट। अच्छा सर कुछ सवालात हैं जो कि लोगों ने पूछे हैं और उनका हक भी है पूछना, तो मैं उससे आपसे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लेरिफाई बेसिकली आवाम जो है बेसिकली वो क्लेरिफाई करना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हायरिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब हाउ यू हायर लाइक यू हायर पीपल्स और आपके टीचर्स और बाकी स्टाफ जो है उसका एक प्रोसेस क्या है पाकिस्तान स्कूल मस्कत के लिए, जो तमाम देखने वाले हायर होना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं फिर उनको जब नहीं रिस्पॉन्स आता तो वो समझते हैं कि यार ये तो बस ऊपर ही ऊपर मामला हो गया होगा और हमें कुछ पता नहीं है इसका। सो आप एक प्रोसेस पूरा बताएंगे कि प्रोसेस क्या है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा, और चूंकि ये कम्युनिटी स्कूल है लोगों का हक भी है कि अगर उनको कोई शकूक व शुबहात हैं तो वो पूछ सकते हैं। हायरिंग का प्रोसेस पहले क्या होता था उसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब से हम काम कर रहे हैं उस वक्त से हायरिंग प्रोसेस ये है कि जब एक हम ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में, अपने सोशल मीडिया पे हम उसको पोस्ट करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट उसको सर्कुलराइज करता है, फिर एक पैनल बनता है इंक्लूडिंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के लोग उस पैनल पे बैठते हैं, बोर्ड बैठता है, सीनियर प्रिंसिपल जो हैं वो होते हैं, और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, जो पूरा पैनल है, कैमराज होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, एक पूरे प्रोसेस के तहत उनका इंटरव्यू होता है, और फिर मेरिट में जो भी आता है उसको हायर कर लिया जाता है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशंस होती है, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस प्लस आपका BA आपकी मास्टर्स डिग्री हो। पहले IELTS कंपल्सरी नहीं था, अभी न्यू हायरिंग में हमने IELTS को डाला है, तो फिर उसके लिए फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री एजुकेशन को हम भेजते हैं, वो उसकी अप्रूवल के बाद फिर बंदा हायर होता है। रिसेंटली जितने भी 20-25 लोग हायर हुए पिछले 1.5 साल में 25 से 30 इसी प्रोसेस के तहत ही हुए, और मतलब एक फ्री एंड फेयर एक वो है। सो इफ़ यू आर कैपेबल, देखें एक बंदे की फर्द वायद की हायरिंग नहीं है, पहले मेरा ये ख्याल है जैसे इन्होंने भी अर्ज किया कि पहले का हमें नहीं पता, पहले शायद कुछ होता हो, वी डोंट नो अबाउट इट, लाइक नाउ एम्बेसडर और जो उनकी टीम है और जो लाइक यहाँ के समझ लो कि एक वेल पढ़े लिखे ऑर्गेनाइज जैसे कि डॉक्टर्स और वो बताया इन्होंने, वो यहाँ पर बैठते हैं इसी जगह पर, सेम जगह पर उनका इंटरव्यू होता है, टीचर सामने बैठते हैं जो मतलब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, एक स्क्रूटनाइज प्रोसेस होता है पूरा, उस प्रोसेस के थ्रू हायरिंग होती है। मतलब इसमें ये नहीं कि मेरा अगर कोई है मैंने उठा के फिट कर दिया किसी का कोई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और IELTS कंपलसरी है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी टीचर्स हैं दे आर कम्युनिकेटिंग लाइक इंग्लिश में ही वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अभी यहाँ पर, सो इट गिव्स अ गुड वाइब कि यार यहाँ पर जो है एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा बच्चों के लिए जिससे लगता नहीं कम्युनिकेट स्कूल है। सर एक तो ये हो गया हायरिंग वाला, दूसरा ये कि वाई पाकिस्तान स्कूल मस्कत कंपेयर टू एवरीथिंग, फीस कंपेरिजन भी है उसमें एनवायरमेंट कंपेरिजन भी है, एजुकेशन भी है। वाई पाकिस्तान स्कूल आपका अपना इदारा है, आपकी अपनी शिनाख्त है दियार गैर में, आपका कल्चर है, जैसे अभी आपने देखा 14 अगस्त का इवेंट हुआ,
डिफेंस डे होता है, आपका रेजोल्यूशन डे होता है, तो ये अपने कल्चर से जोड़ने के लिए एक पाकिस्तानी को अपने अगर इदारा एक नॉमिनल फ़ी में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वाई नॉट, जो उसमें कमियां कोताहियां थी वो अब दूर हो चुकी हैं ज़्यादातर, कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं। कैम्ब्रिज का इशू था, अब कैम्ब्रिज पे आपका ग्रेड वन से लेके जो आपका स्कूल है स्विच हो चुका है, जो उसका नया सिलेबस है, कैम्ब्रिज दूसरे इंटरनेशनल स्कूल्स में भी कैम्ब्रिज ऑफर किया जाता है, फीस स्ट्रक्चर है वो पूरे गल्फ़ में सबसे कम है। आपको अपने कल्चर से जोड़ने के लिए स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है, सोशल स्टडीज़ है, इस्लामिक वैल्यूज़ आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम अपने स्कूल के ज़रिए अपनी कम्युनिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करें। सही। सो मैंने देखा जैसे वो पीछे भी आप देखेंगे तो एक मिनट दिखाएगा, वो ये बोर्ड्स वगैरह हर क्लासरूम में, राइट, सब के स्मार्ट बोर्ड्स हैं आपके हर क्लासरूम में अवेलेबल हैं। इसके अलावा और क्या क्या नई चीज़ें हैं जो आपने, मतलब नया क्या है? ये तो स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, फर्नीचर का जैसे आपने मुझे बताया फर्नीचर भी आप एक नया मंगवा रहे हैं पूरा, मतलब वो पुराना जो एक लकड़ी वाला माहौल था उसको ख़त्म करके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप कर रहे हैं, राइट? जी। देखिए ओवरऑल जो है वो एक स्कूल का स्ट्रक्चर अब चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो फर्नीचर हो गई, मेंटेनेंस हो गई, आपकी हाइजीन्स हो गई, रेनोवेशन ऑफ वॉशरूम्स हो गई, ये एक अलग चीज़ें हैं जो इतना बड़ा, जिसको हम नहीं समझते कि एक इदारे में होना चाहिए, जो नहीं थी, लेकिन जो किसी इदारे की बेसिक चीज़ होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिस पे पूरा इदारा खड़ा होता है। अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से वो चीज़ें नहीं थी, जैसे आपके एचआर मैनुअल नहीं था, आपकी हायरिंग और फायरिंग का कोई पॉलिसीज़ का सिस्टम नहीं था, तो हमने अभी वो सारी चीज़ें बनाई हैं जिसका इम्पेक्ट कुछ अरसे के बाद आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। हम चाह रहे हैं कि इसमें इंडिविजुअल्स का रोल कम हो, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसको सिस्टम खुद से रन करे, ऑटो सिस्टम पे हायरिंग हो, उसकी अप्रेजल सिस्टम हो, जिसकी वजह से आपको आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको रखा जाए और उसी पे आपको फारिग किया जाए। आपका एजुकेशनल ऑडिट बहुत ज़रूरी था, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने जो वर्ल्ड बैंक के साथ काम करती है उसने विज़िट किया, टीचर्स के बेसलाइन जो टेस्ट थे उनको असेस किया, उनकी रिपोर्ट बनाई, फिर 100 सफ़े की एक रिपोर्ट दी कि आपके एजुकेशनल ऑडिट में किस चीज़ जब होने के बाद कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। लीगल मैटर्स के लिए लीगल फर्म है जो अपना ओपिनियन देती है, हम कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले अपना ओपिनियन लेते हैं ताकि कोई ऐसा ब्लंडर ना हो जाए कि स्कूल का उसमें नुकसान हो। सर टीचर बिहेवियर कैसा है, मतलब क्योंकि देखें जब पाकिस्तान की और एक पाकिस्तानी माहौल की होती है तो एक बंदा, ये फैक्ट है, इट्स लाइक ये कुछ आगे पीछे वाली मैं बात नहीं करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जब आप एक ऐसे में जा रहे होते हैं तो बंदे के दिमाग में ये होता है कि यार ये माहौल वो वाला ना हो, टीचर का बिहेवियर पता नहीं कैसा होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, तो टीचर बिहेवियर कैसे है, किस तरह मॉनिटर करते हैं? सर देखें एज ए ह्यूमन अगर आप बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स जो हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, लेकिन सब लोगों की जो मेंटल लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। सही। तो उसके लिए आपको तस्कीर की ज़रूरत रहती है, आपको आपको उसके लिए हमने वर्कशॉप्स का एहतमाम किया है अपने टीचर्स के लिए, मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान से भी आए, यहाँ से इवन के रॉयल फैमिली के लोगों ने भी जो है उनके लिए हमने लेक्चर्स अरेंज किए, मोटिवेशनल लेक्चर्स थे आपकी टीचर्स की जो मेथडोलॉजी थी जो बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर हो, तो उस चीज़ पे भी काम चल रहा है। तो आप तो जस्ट अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है कि वो कहे कि मुझे, मैं 100% मुकम्मल हूँ, तो मुझे और आपको भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम खुद भी सीखते हैं, तो हम अपने टीचर्स पर उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं ताकि उनका एक पोलाइट एक ऐसा बिहेवियर हो कि बच्चा जो है वो स्कूल से प्यार करे, अपनी क्लास से प्यार करे और उसको घर वाला माहौल मैसर आए। सो मतलब टीचर्स ग्रूमिंग के आपके वर्कशॉप्स और आपके जो भी आप कर सकते हैं उनको एजुकेट, मोर एजुकेट करने के लिए वो प्रोग्राम सारे आपने मुरतब किए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।